क्या आपको भी रहस्यमयी स्थलों के भ्रमण और उसके रहस्यमयी कहानियाँ सुनने की जिज्ञासा लगी रहती है? तो चले हमारे साथ आज एक ऐसे ही सफ़र पर जो कि जितना रहस्यमयी है वहाँ जाने के रास्ते उतना ही रोमांचक। इस सफ़र पर आपको टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, पहाड़ियाँ, झरने, नदियाँ, डैम, जंगल, ये सभी मिलने वाले हैं। इन सभी चीज़ों का मज़ा लेने के लिए आपको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बिहारियों को ये मज़ा बिहार में ही मिलने वाला है। यह यात्रा जितना साहसिक है उतना ही सुखद। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में सफ़र करेंगे गुप्तेश्वर धाम गुफा की। राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड में कैमूर की पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्तेश्वर धाम अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। हम उन सभी रहस्यों को खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सफ़र पर तो निकलें। करमचट डैम आपको गुप्तेश्वर धाम के रास्ते में मिलेगा। जो आपको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखने वाले इस डैम की खूबसूरती कैमूर की पहाड़ियाँ और भी बढ़ा देती हैं। ठंड के दिनों में पहाड़ियों के बीच से निकलती धुंध का दृश्य आपके मन को ना मोह ले तो फिर कहना। यह नज़ारा आपको काफ़ी दूर तक देखने को मिलेगा। चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, लबालब पानी से भरा डैम, और उसके बीच से जब आप गुजरते हो तो एक समय के लिए आप भूल जाएंगे कि आप बिहार में हैं। करमचट बांध से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुप्तेश्वर धाम गुफा में पहुंचने के लिए रेहल पनियारी घाट और उघनी घाट जैसे तीन दुर्गम यानी कठिन रास्ते हैं। नया रास्ता ताराचंडी धाम के पास से है, इस रास्ते से गाड़ियां भी जाती हैं। पनियारी पहुंचने के बाद गुफा में पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी पर चढ़ना होगा। उससे पहले यहां से चलने के बाद रास्ते में दो बार दुर्गावती नदी को पार करना होगा। वर्षा के दिनों में इस नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि नदी पार करना थोड़ा मुश्किल है। अपने रिस्क पर नदी पार करें। यहाँ नदी पार करने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, इसलिए नदी पार करते वक्त सावधान रहें। अब आप गुप्ता धाम के बेहद करीब पहुँच चुके हैं। चारों तरफ हरे भरे और ऊँचे पेड़ों से घिरी इस नदी का दृश्य कश्मीर की घाटी से कम नहीं एहसास करवाएगी। लगभग 3 या 4 किलोमीटर ऊपर नीचे समतल चलने के बाद पहाड़ी का दूसरा छोर आ जाता है। वहाँ से 3 या फिर 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद आता है बाबा गुप्तेश्वर नाथ की गुफा, जिसमें भगवान शंकर भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे। गुफा के लगभग 2 किलोमीटर दूर एक कुंड है, इसे आप झरना कह सकते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में पहाड़ी से गिरता हुआ पानी झरना बन जाता है। इस वक्त का नज़ारा बस देखने लायक होता है, सॉरी नहाने लायक भी होता है, क्योंकि आप यहां नहाए बिना नहीं रह पाएंगे। और मान्यता भी है कि गुफा में पहुंचने से पहले आपको यहां आकर इस कुंड में नहाना होता है, जिसे सीता कुंड भी कहते हैं। यहां का पानी इतना ठंडा यानी शीतल होता है कि कुछ लोग इसे शीतल कुंड भी कहते हैं। शिव भक्त यहाँ नहाने के बाद वहीं से जल लेके गुफा में बाबा का दर्शन करने जाते हैं। इससे पहले आपको पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है। इस पहाड़ की ऊंचाई का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 3000 मीटर यानी लगभग 3 किलोमीटर होगी। ये आपके बॉडी को चैलेंज कर सकती है। पहाड़ी पर चढ़ने के क्रम में आपको जो चीज़ें रोमांचित करेंगी वो है अनेक तरह की आवाज़ें, जीव जंतु, सुंदर प्राकृतिक छटा, ये सभी बस मन को मोह लेता है। बंदर और लंगूरों का झुंड इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाता है। पहाड़ पर चढ़ाई करने के रास्ते में ही आपको बघवा खो मिलेगा। इस खो के बारे में कुछ खास विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट होता है कि यह बाघ की मांद रही होगी, लेकिन जो भी हो यह भी आपको रोमांचित करने वाला है। इस मांद के चारों तरफ का नज़ारा देखने लायक है। इसके बाद आगे बढ़ने पर आप पहुँचेंगे गुप्ता धाम का गुफा।
प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से ही होता आ रहा है। मान्यता है कि प्राकृतिक सुषमा से सुसज्जित वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद भक्तों की सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। पौराणिक आख्यानों में वर्णित भगवान शंकर और भस्मासुर से जुड़ी कथा को जीवंत रखे हुए ऐतिहासिक गुप्तेश्वर नाथ महादेव का गुफा मंदिर आज भी रहस्यमय बना हुआ है। आपने एक कहानी सुनी होगी, कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने की शक्ति का वरदान दिया था। भस्मासुर माँ पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। कहा जाता है कि वहां से भागकर भोले यहीं की गुफा के गुप्त स्थान में छुपे थे। रोहतास में अवस्थित विंध्य श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरे गुप्ताधाम गुफा के प्राचीनता के बारे में कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्वविद अब तक यही तय नहीं कर पाए हैं कि यह गुफा मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, इसके लिए यहाँ कृत्रिम बिजली उपलब्ध है। गुफा के अंदर पानी गिरने से पत्थर पर काफ़ी फिसलन है, अपनी जान की रक्षा यहाँ स्वयं करें। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें सालों भर पानी रहता है, इसलिए इसे पाताल गंगा भी कहते हैं। यहाँ बक्सर से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। इसके आगे यह गुफा काफ़ी संकरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है, इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित शिवलिंग वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। गुफा से टपकता हुआ पानी जिसे लोग अमृत कहते हैं, जो प्रसाद के तौर पर लोग ग्रहण करते हैं। ये थी गुप्तेश्वर धाम की यात्रा। अगर आप थोड़े एडवेंचरस हैं और थोड़े आध्यात्मिक हैं तो आपके लिए गुप्तेश्वर धाम की यात्रा अच्छा विकल्प हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।